we'll take some examples. Okay, so let's say we have this x and y coordinates. ठीक है, ये अपना x और y coordinates हम बना रहे हैं. So here what we'll have, we'll have one single point. ठीक है, ये वाला एक सिंगल सर्कल है मेरे पास, तो इस सर्कल को मुझे रोटेट करना है. सो इनिशियली विल हैव दिस वन ओनली. ठीक है, ये वाला एक हमारे पास वैल्यू. सो लेट्स से व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एनी पिक्सल और डॉट ऑन आवर स्क्रीन, व्हाट विल गेट, वी रिक्वायर्ड उसके एक्स और वाई एक्सिस, राइट. ठीक है, हमें उसको, हमें क्या लगता है, उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स लगते. ठीक है, सो व्हाट विल से, सो दीज आर नथिंग बट द, विल कॉल इट एज x ओल्ड. ठीक है, एंड y ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ऐसे हम उसको बता देते. ठीक है, सो नाउ अभी हमें करना क्या है, ये जो हमारा एक पिक्सल है, ठीक है, इस ऑरेंज पिक्सल को हमें रोटेट करना है. ठीक है, सो लेट्स कंसिडर, लेट्स से कि इसके x ओल्ड एंड x y ओल्ड जो वैल्यूज है. ठीक है, लेट्स कंसिडर इसके करंट पिक्सल से 4 i 4. ठीक है, यानी कि क्या है कि x ओल्ड एंड y ओल्ड, यानी कि वो तो सिंपल आपका कैसे आएगा, इन द पुट पिक्सल में, पुट पिक्सल में 4, 4 सम कलर. ओके फाइन, ये तो आपको मालूम है. तो ये पुट पिक्सल हमने कर दिया है, यानी कि 4, 4 इस पर्टिकुलर एक डॉट का हमारे पास वैल्यू आ चुका है. ठीक है, सो हमें करना क्या है, नाउ वी वॉन्ट्स टू परफॉर्म रोटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, इस ऑब्जेक्ट पे हमें रोटेशन परफॉर्म करना है इस पे. ठीक है, तो नाउ रोटेशन परफॉर्म करना है तो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड देन, हमें लगेगा एंगल. एंगल तो दे दो भाई, यानी कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट गिवन एंगल. ठीक है, सो लेट्स से कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रोटेशन ऑन 30 डिग्री. ठीक है, इसे हमें करना है. सो हमें अभी पुट पे ओल्ड वैल्यूज भी है और एंगल भी है जिससे हमको रोटेशन करना है. सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या कैलकुलेट करना है, देन वी नीड टू कैलकुलेट एक्स न्यू एंड वाई न्यू, राइट. यह हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा सो दैट विल गेट दी अनदर पिक्सल्स वैल्यूज. तब जाके हम आगे फिर से क्या करेंगे, पुट पिक्सल और उसमें क्या जाएगा अपना एक्स न्यू एंड वाई न्यू. फाइन, सो इस हिसाब से अपने नए वैल्यू चले जाएंगे और ये जो पिक्सल है यहाँ से किसी और जगह पे चला हो जाएगा. ठीक है, रोटेशन हो जाएगा उसका. ठीक है, सो इनिशियली विल टेक ओनली सिंगल पॉइंट, उस पर हम काम करेंगे. ठीक है, सो देखो अगर हमें रोटेशन करना है इस एक पॉइंट पे तो हम कैसे करें. फाइन, सो फॉर्मूला तो अपने पास ये वाला है. ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक्स न्यू, एक्स न्यू बन गया अपने पास. ठीक है, और ये है अपना वाई न्यू. ये दो है, और इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, वी आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, राइट. ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने, राइट गाइस. तो वो चेक करते हैं हम अभी कैसे करना है. तो देखो ये हमें कैलकुलेट करना है. सो नाउ अगर वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सिंपली गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज इनटू आवर करंट फार्मूला. सो अपना फार्मूला क्या बताता है कि भाई फार्मूला तो अपना ये है, राइट. तो ये वैल्यूज तो पुट करो उसमें, किसमें, मैट्रिक्स में. तो चलो हम एक मैट्रिक्स बना के देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ना अभी ये जो मैट्रिक्स में है इसके वैल्यूज कहाँ से पुट करेंगे,
we are going to put these values from this, right? ठीक है, एंगल दिया है, we have this angle, इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल से हमको रोटेट करना है अपना ये वाला एक पिक्सल, राइट? तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा देन? विल गेट cos 30 माइनस sin 30, फाइन, एंड देन sin 30 एंड देन cos 30, राइट? ये दो वैल्यूज हम ले लेंगे यहाँ पे, और हमने ऐसे पुट कर दिया, ये हो गया अपना एक मैट्रिक्स जहाँ पे हमने वैल्यूज डाल दी। सो नाउ अभी क्या बोलता है मैट्रिक्स में, नाउ यू हैव टू परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है हमें? सो ऑब्वियसली वी नीड टू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज भी तो हमें मालूम है, क्या है उसके वैल्यूज, वी हैव एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड वैल्यूज आर नथिंग बट द 4, 4, राइट? तो यहाँ पे 4 है एंड ये वाला भी 4, फाइन। सो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिए। सो उसके बाद करना क्या है, ये तो बन गया अपना मैट्रिक्स, हमने फॉर्मूलाज में ये वैल्यूज डाल दिए, ओके, फाइन। सो देखो यहाँ पे ये जो 4, 4 है यहाँ पे, ये हमने कैसे लिया? सो लेट्स से इन दिस वे, कहीं से 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इन दिस वे, राइट? 0, 1, 2, 3, और ये ऐसे कंसिडर कर दीजिए, दे 4, राइट? ठीक है, ये 4, 4 इस कोऑर्डिनेट से, और ये यहाँ से अपने वैल्यूज मिल गए अपने 4, 4 पे, वी आर गेटिंग वन पिक्सल, ओके। सो अभी इस पर्टिकुलर पिक्सल पे हमें रोटेशन परफॉर्म करना है। सो नाउ वी गॉट दिस वन। सो जब भी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? सो विल टेक दिस वैल्यूज एंड दिस वैल्यूज, राइट? यानी कि क्या हो जाएगा, cos 30 इंटू 4 प्लस इंटू द ब्रैकेट माइनस 30 इंटू 4, राइट? तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देन? हाउ आर गेटिंग आवर फॉर्मूला? तो ये बन गया अपना एक्स न्यू के लिए, ठीक है। एक्स न्यू कैसे बनने वाला है? कॉस 30 इंटू 4, ठीक है। नाउ वी नीड टू परफॉर्म द प्लस, राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास? विल हैव द माइनस साइन 30, तो यहाँ पे क्या जाएगा फिर? माइनस साइन 30, ठीक है, इंटू 4, फाइन। तो वाई न्यू कैसे आएगा फिर अपने पास? विल गेट आवर वाई न्यू इज इक्वल्स टू साइन 30 इंटू 4 देन प्लस कॉस 30 इंटू 4, फाइन। ऐसे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में वैल्यू डालते हैं। सो लेट्स आइदर ऐसे करो, अदरवाइज सिंपली कॉस 30 कैलकुलेट करो। सिंपली कैलकुलेट कॉस 30, कॉस 30 क्या कहता है? 0.866, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हमने कैसे कर लिया, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करो, क्या कहते हैं? 0.866, फाइन, 866, ओके, ठीक है। और माइनस साइन 30 क्या कहता है देन? माइनस साइन 30, राइट? सो साइन 30 का वैल्यूज निकालो, माइनस 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, राइट? यानी कि व्हाट विल गेट? माइनस 0.5, फाइन। देन साइन 30 का हमने अभी को कैलकुलेट किया है, दैट इज नथिंग बट द 0.5, राइट? देन उसके बाद कॉस 30 भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 0.866, फाइन। सो नाउ ये चीज़ हमें मिल गया है,
को आइदर यू कैन पुट इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है, मैट्रिक्स को ऐसे भी बना लो तो भी आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसे वैल्यू डाल दी और सिंपली ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का उठा दो और उसका मल्टीप्लीकेशन करो, फाइन। सो व्हाट विल गेट देन, इसी चीज को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, इसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देन, 0.866 इंटू 4, राइट। कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। सो क्या आ रहा है, 3.46, राइट। व्हाट वी आर गेटिंग, 3.46, ठीक है। माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा फिर, माइनस 2, राइट। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, वो भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। एंड देन व्हाट विल गेट, यहाँ पे 2 प्लस 3.46, राइट, 3.46, फाइन। यहाँ हमें वैल्यूज मिल रही है, तो इसका सिंपली एडिशन करो, ये करो, क्या मिलेगा हमें, 1.46, ओके। एंड देन दिस वन इज 5.46, राइट। सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मैट्रिक्स ऑपरेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मैट्रिक्स ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वी आर गेटिंग दिस वैल्यूज, राइट। और ये वैल्यूज क्या है देन, दिस वैल्यूज आर नथिंग बट आवर एक्स न्यू, फाइन, एक्स न्यू एंड आवर वाई न्यू, फाइन गाइस। सो देखो, तो फिर यहाँ पे कैसे हो जाएगा, एक्स न्यू और वाई न्यू मिल गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि पुट पिक्सल करो, एक्स न्यू और वाई न्यू। सो नाउ नेक्स्ट कहाँ पे मिल रहा है हमें, 1.46 एक्स, यानी कि ये 1 और ये 0.46, लेट्स से यहीं पे कहीं पे तो अपना वो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे। और वाई का क्या बोलता है, 5.46, तो यहाँ पे क्या किया था हमने, 1, 2, 3, 4, और लेट्स से दिस वन इज आवर 5, फाइन। और ये आपका 1.46 कंसिडर करो यहाँ पे, तो 5.46 लेट्स कंसिडर दिस वन। सो यहां से ऐसे एंड फ्रॉम हियर इन दिस वे, यहां पे विल गेट आवर नेक्स्ट पिक्सल, राइट गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से कहीं पे तो जाके हमें यहां पे अपना जो पिक्सल है उसको हमने रोटेट किया हुआ मिल जाएगा, सो दिस वन, फाइन। सो ये हो गया आपका यहाँ से y एक्सिस का, और ये हो गया आपका यहाँ से x एक्सिस का, राइट। सो x एक्सिस का ये वैल्यू हमने क्या बताया, सो दिस वन इज नथिंग बट x न्यू में मिल रहा है हमें 1.46, राइट। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 5.46। सो इन दिस वे हमने इस पिक्सल को यहां से यहां पे हमने रोटेट कर लिया, फाइन। समझ में आ गया। सो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ दिस रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, इस रोटेशन मैट्रिक्स के हिसाब से वो एक पिक्सल हमने वहां पे मूव कर लिया, राइट। Are you getting my point, guys? So now if I'll say, ठीक है कि now if I'll say, अभी जो हम कर रहे हैं वो एक ही पिक्सल्स को कंसिडर करके कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स से आई हैव दिस ऑन पर्टिकुलर एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है। एंड नाउ ओवर देयर आई हैव वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट माई लाइन। सो नाउ दिस इज माई लाइन। नाउ इफ आई विल से कि परफॉर्म द रोटेशन
विथ सम गिवन एंगल ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करो, तो हम कैसे करेंगे देन, कैसे करना है ये करने के लिए व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द टू पॉइंट्स। देखो अभी लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो लाइन में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सो व्हाट विल गेट हियर, यहाँ पे हमें x1 और y1 मिलेगा इस एक पॉइंट का, ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ दैट लाइन। सो ये जो एंड है तो इसका एक पॉइंट मिल रहा है, और ये वाला एक एंड है, राइट। सो वॉट वी आर गेटिंग देन, x1 y1 एंड x2 y2, राइट, ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे यहाँ पे। सो वो क्या हो जाएगा, x1 ओल्ड y1 ओल्ड, x2 ओल्ड y2 ओल्ड, ऐसे मिल जाएंगे, राइट। सो नाउ इफ आई विल से कि परफॉर्म द रोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद एंगल 50, ठीक है, 50 एंगल से उसको रोटेट करो, 50 एंगल से उसको रोटेट करो, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन को अगर मुझे रोटेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग्स, सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट देन, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट x1 न्यू एंड y1 न्यू, फाइन, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद x2 न्यू एंड y2 न्यू, ये दो चीजें मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट देन, सिंपली वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज, ये जो हमारे ओल्ड वैल्यूज है, ठीक है, पुट दिस ओल्ड वैल्यूज इनटू दिस मैट्रिक्स, ये x1 y1 ओल्ड मिल गए मुझे, ठीक है, देखो यहाँ पे x ओल्ड y ओल्ड बोला था, सो व्हाट एवर पॉइंट्स आई एम गेटिंग, यहाँ पे मुझे जो पॉइंट्स मिल रहे तो उस पॉइंट्स के हिसाब से मैं यहाँ पे उसको रोटेट करूँगा, ठीक है ना, यानी कि सिंपली आई पुट x1 y1 दैट इज x ओल्ड y ओल्ड यहाँ पे पुट करूँगा, और एंगल क्या है मेरा 50, तो सिंपली cos 50 माइनस sin 50, sin 50 और cos 50, ऐसे वैल्यूज प्लेस करके सिंपली आई एम गोइंग टू परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फाइन। सो नाउ ये हो गया एक लाइन के लिए, ठीक है, एक लाइन को हम रोटेट कर रहे हैं उस हिसाब से, फाइन। सो नाउ इफ आई विल से कि आपको इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लेट्स से आई विल हैव वन ट्रायंगल हियर, ठीक है, इस ट्रायंगल को अभी आपको रोटेट करना है, तो इस ट्रायंगल को इस रोटेट करना है विद एंगल 50, तो हम कैसे करेंगे देन, सिंपल है, ऑलरेडी व्हाट विल हैव दिस टू पॉइंट्स, एक पॉइंट था मेरे पास, ये एक पॉइंट था, तो और एक पॉइंट क्या मिल रहा है, दिस वन, राइट, ये तीन पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देन, x1 y1 x2 y2 एंड देन दिस वन इज x3 y3, राइट, x3 y3, तो ये पॉइंट्स मिल गए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपली अगेन आई एम गोइंग टू पुट दिस x3 y3 ऑल्सो हियर, यानी कि व्हाट आई नीड टू डू यहाँ पे, आई नीड टू कैलकुलेट x3 न्यू एंड y3 न्यू, राइट गाइस, तो ये तीन पॉइंट से मुझे ये ट्रायंगल कंप्लीटली रोटेट हुआ मिलेगा, समझ में आ रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल पॉइंट किया था, एक पिक्सल के लिए किया था, तो एक पिक्सल यहाँ से यहाँ पे निकल गया, तो जब हम ऐसे एक एक पिक्सल्स को हम रोटेट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें नए पिक्सल्स के नए पॉइंट्स मिल जाएंगे हर एक जगह पे, तो उस हिसाब से वो रोटेट हो जाएगा। तो ये जो था ये वाला ओल्ड प्लेस था, अदरवाइज बिफोर रोटेशन था, और ये क्या है, आफ्टर रोटेशन,
रोटेशन था और ये आफ्टर रोटेशन, तो ऐसे एक पिक्सल हो गया। सो इन दिस वे आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट बना, आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट बना और उस ऑब्जेक्ट पे सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करके छोड़ो, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने वाले हैं हम, एक एक पिक्सल, एक एक पॉइंट जो है हमारे पास, ठीक है, वो एंड पॉइंट जो है उस एंड पॉइंट से कैलकुलेशन करो और नया ऑब्जेक्ट बनाओ, फाइन। और गेटिंग द पॉइंट, सो